हाय गाइस, जैसे आप देख रहे हो कि मैं आपको गुड्डियां दिखा रही हूँ। बेसिकली पंजाब में इनको गुड्डियां कहते हैं, दूसरे स्टेट्स में तो पतंग कहते हैं। तो लोहड़ी जैसे आ रही है पास बहुत जल्दी, तो लोहड़ी पे पंजाब में सबसे ज्यादा जिस चीज का क्रेज होता है वो होता है गुड्डियां उड़ानी। बचपन में मैंने बहुत ज्यादा गुड्डियां उड़ाई हैं, बहुत ज्यादा। इवन मेरे भाई को भी गुड्डी उड़ाने मैंने सिखाई है, बट अब मैं नहीं उड़ाती। बट शॉपिंग करने आई हूँ भाई के साथ गुड्डियों की, तो देखो करते हैं शॉपिंग गुड्डियों की। गाइस, गुड्डियों के अलग अलग नाम होते हैं पंजाब में, इनको तवा करके बोलते हैं। मतलब जितना जितना बड़ा साइज होता रहता है तो वो बोलते रहते हैं। तो मैं जो ले रही हूँ भाई के साथ, ये हम ले रहे हैं तीन तवा, इसको कहते हैं तीन तवा। जो इससे बड़ा होगा फिर वो छह तवा, आठ तवा, ऐसे ऐसे करके साइज अलग अलग होते हैं। दिल तो कहता है सारी गुड्डियां लेके जाओ, कितने बड़े बड़े गुड्डे हैं, कितने बड़े बड़े गुड्डे हैं। ये निकाल रहे हैं पाजी गुड्डे हमारे, ये देख लो, ये साइज की ले रही हूँ मैं। तो गाइस देखिए, ये वाली गुड्डियां पतंगे ले रहे हैं। पंजाब में इनको पतंग कहते हैं, बाकी सबको गुड्डियां कहते हैं। जो इस शेप की होती है ना उनको पतंग कहते हैं। गाइस ये वाले गुड्डे हमने, ये वाले गुड्डे ले रहे हैं, देख लो हाइट कितनी ज्यादा है। इनको कहते हैं तीन तवा। चार जो इससे और बड़ा होगा वो घर में पड़े हुए भाई के फ्रेंड के पास, तो उनकी भी आपको बाद में वीडियो दोगे। तो मैंने ये ले लिए, 12 ये लिए और वो साथ में पतंगे लिए, वो तो वो पड़ी हुई है। ये देखो ये कितनी छोटी छोटी सी है, मेरे हाथ से थोड़ी बड़ी, और ये उससे भी छोटी, इतनी छोटी स्पाइडरमैन की, छोटा भीम, और उससे भी छोटी, मतलब ये इतनी छोटी सिर्फ मेरे हाथ जितनी है। तो गाइस ये वाली भी गुड्डी कोई उड़ाता होगा, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि आई कैन फ्लाई इट, बट ये भी उड़ाते हैं लोग। ये शोपीस लग रहा है मुझे, वैसे शोपीस होएंगी ये छोटी छोटी सी गुड्डियाँ, टिड्डी टिड्डी। कई दुकान में बहुत रश हो गया, मैंने को रश से इरिटेशन हो गई, इसलिए मैं बाहर आ गई। गुड्डियों की शॉपिंग हो रही है, भाई बिल पे कर रहा है, तो बस बिल दे रहे, उसके बाद हम घर जाएंगे। घर जाके फिर आपको एक एक गुड्डी आराम से दिखाऊंगी, हमने कौन कौन सी ली। हमने अमेरिका वाली भी गुड्डी ली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस अभी वेट कर रही हूँ भाई जल्दी आए और फिर घर जाके हम गुड्डियाँ खोलें। बारिश हो रही है पिछले चार दिनों से अमृतसर में, इट्स ऑलमोस्ट फिफ्थ डे, रेगुलर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। होपफुली लोहड़ी वाले दिन बारिश ना हो। वैसे बचपन से, जब से मतलब मैंने होश संभाला है, मुझे याद है कि कोई भी ऐसा लोहड़ी वाला दिन नहीं हो जिस दिन बारिश ना हो। ये भी खासियत है पंजाब की कि लोहड़ी पर बारिश होनी होनी है, तो इस बार देखते हैं होती कि नहीं। वैसे मैं इस बार ट्राई करूँगी कि भाई उनके साथ जाके गुड्डियाँ उड़ा के आऊँ, बट वही मुझे डर लगता है मेरे हाथों पर कट लग जाएंगे। बट आई विल ट्राई टू गो, अगर गई तो लोहड़ी पर दिखाऊंगी। हाँ, पर शॉपिंग करने में तो मज़ा आया मुझे, गुड्डियों कितनी बड़ी बड़ी गुड्डियों, मेरे को तो उठा रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था कि गुड्डियों में फाड़ी ना दूँ, बट सही रहेगी ये सारी। तो बस अब बिल पे करके अब हम जाएंगे घर। आ रही है मेरी गुड्डियाँ सारी गाड़ी में, वो तो जा रही हैं। वैसे होगी थोड़ी गुड्डी और वो अगली गुड्डी अंदर एडजस्ट हो रही है ही इतनी बड़ी आ गई। तो गाइस फाइनली हमने कर ली गुड्डियों की शॉपिंग, डोर कहीं और से लेंगे, वो भाई लेके आएगा, वहां मैं नहीं जाऊंगी, वो सिटी के अंदर अंदर से कहीं से लेनी होती है। डोर भाई का फ्रेंड लेके आ रहा है और गुड्डियां जो है वो भाई लेके जा रहा है, तो हमने ले लिए हैं अभी गुड्डे बुड्डे, घर जा रहे हैं। घर जाके एक एक खोल के देखूंगी, वहां पर तो वो अंकल ही बेचारे, जब मैंने गुड्डियों को रखा अंकल ही, ना बेटे इतना नहीं फट जान के, दो दो तीन तीन सौ के गुड्डा एक है, तो उनको तो वैसी टेंशन होगी कि अगर फट गए तो क्या होगा। तो फाइनली होगी गुड्डियों की शॉपिंग, अभी घर जाती हूँ, घर जाके आपको मैं एक एक गुड्डा दिखाऊंगी, वेट करो घर जाने के मेरे। गाइस फाइनली गुड्डे आ गए, अब इसकी से हम बच बच के लेकर आए हैं गुड्डे, फाड़ ना दे। तो गाइस फाइनली गुड्डे हम ले आए हैं, गुड्डे और पतंगे, तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये है अखड़ आंखों वाला, इसको अखड़ और छज कहते हैं, तो जिनके पीछे ये होते हैं ना बड़े बड़े से पूंछे, उनको छज कहते हैं। ये है लखनऊ समथिंग, कहते हैं कि नाम होता है लखनऊ काट, ये है लखनऊ काट। ये देखो ये हमारा है कैनेडा वाला गुड्डा, एक ये भी गुड्डा, ये देखो इसका कलर कितना अच्छा है, एक ये भी गुड्डा, इसका कलर देखो कितना अच्छा है,
मेरे जितना ही है ये, मेरे ख्याल से आराम से इसकी हाइट होगी 4 फीट। मैं 5'6" हूँ तो ये 4 फीट तो है ही है। एक वो ब्राउन वाला देखो कितना अच्छा है। और ये हम लेके आए हैं अमेरिका की पतंगे, तो आज हम अब इस बारी लोहड़ी में अमेरिका के पतंगे भी उड़ाएंगे और वो भी बड़े बड़े गुड्डे। तो गाइस ये सारे गुड्डे तो हम लेके आए हैं, इससे भी जो बड़े गुड्डे हैं वो मेरे ब्रदर के फ्रेंड के पास है तो वो लोहड़ी वाले दिन उड़ाएंगे। तो आज मुझे बहुत मजा आया अलग अलग पतंगे देखने के लिए। बचपन में बहुत उड़ाती और आपको पता, जब मैं छोटी थी तो मेरी गली में से कोई भी बंदा गुड्डी उड़ा लेके नहीं जा सकता था, वो इसलिए क्योंकि जब मेरा भाई गुड्डियां उड़ाता था तो गली में मैं और मेरा डॉग होता था पीटर, वो जर्मन शेफर्ड, तो हम दोनों गली में खड़े हो जाते थे। अगर कोई लड़के गुड्डी लूटने आते थे तो उनको धमकी लगा देती थी, अगर मेरी गली से गुड्डी लूटी तो मैं अपना कुत्ता पड़वा दूंगी। तो मेरी इतनी दहशत थी। अभी ये देखो, एक वो कुत्ता था जिसकी दहशत है, ये कुत्ती है, ये कुत्ती जो है ये कुत्तों को देख के खुद ही डर जाती है। हाँ बहुत बदमाश है। तो गाइस आज की गुड्डों की शॉपिंग होगी। होप आपको भी मेरे गुड्डे देख के दिल करा होगा कि हम भी जाएं गुड्डियां लेने। आपके पंजाब में गुड्डे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके स्टेट में पतंगे कहते हो, तो प्लीज जाओ जल्दी शॉपिंग कराओ, फिर लोहड़ी वाला दिन कुछ नहीं मिलता होता अच्छा वाला, तो अभी मौका है जल्दी जल्दी ले आओ। तो होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जुड़े रहो डेजी कॉर के साथ।